स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, हमने एक्सरसाइज 5.7 से कुछ तीन क्वेश्चन लिए। ठीक है, फर्दर और क्वेश्चन हम लेंगे। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हमारे पास जो कॉन्स्टेंट होता है उसके हम फैक्टर ढूंढते हैं। तो इसके फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ। एक वन हो सकता है, एक टू खुद हो सकता है, बस। और ये हमारे पास कौन से होंगे, प्लस माइनस, प्लस माइनस। अब हम क्या करते हैं, इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पर प्लस माइनस टू। इसको हमारे पास ये पूरी पी ऑफ एक्स है। ठीक है, इसको हमें ज़ीरो बनाना है। ठीक है, ये हमारे पास रिमाइंडर है, जो मैंने रिमाइंडर ज़ीरो लिख दिया, इसको रिमाइंड बिल्कुल ज़ीरो के बराबर लेके आना है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारे रिमाइंडर तो मालूम है वो ज़ीरो है, जब भी हमारे पास इसके फैक्टर निकल सकते हैं। तो देखते हैं इसकी किस वैल्यू के लिए होते हैं। पहले हम माइनस वन पुट करते हैं। ठीक है, जब पी एफ एक्स एक्स को मिटा के हम क्या पुट करने लगे हैं, माइनस वन। तो अब हर एक्स में क्या पुट होगा हमारे पास, माइनस वन पावर थ्री प्लस माइनस वन पावर टू माइनस टू। ये हमारे पास ज़ीरो के बराबर होता है या नहीं चेक करते हैं। ये हमारे पास होता माइनस वन ही आएगा, ये हमारे पास आएगा प्लस वन आएगा, ये हमारे पास आएगा माइनस टू। ये हमारे पास ज़ीरो के बराबर नहीं है, ये देख सकते हैं आप। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास माइनस टू होगा। ठीक है, अब इसको मैं क्या देते हैं, अब हम चेक करते हैं प्लस वन, प्लस वन की प्लस वन भी नहीं हुई तो फिर हम क्या देखेंगे, माइनस टू और प्लस टू। अब देखते हैं, हमने प्लस वन पुट करी तो वन स्क्वायर वन का क्यूब वन ही आएगा प्लस में। ठीक है ना, और ये प्लस हमारे पास क्या आ रहा है, वन का स्क्वायर वन। ठीक है, और माइनस टू, तो ये हमारे पास क्या होगा, वन प्लस वन टू, और टू माइनस टू हमारे पास ज़ीरो। तो ये हमारे पास परफेक्ट एक रिमाइंडर के बराबर आ चुकी है ये एक्सप्रेशन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि हमारी कौन सी वैल्यू थी, हमने x की जगह क्या पुट करवाया था, x की जगह हमने पुट करवाया था वन। ठीक है जी, अब ये वन इस तरफ आके हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस वन, और उधर क्या बचेगा, ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो करना है हमें। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिंपली हमारे पास एक फैक्टर आ चुका है। ठीक है, दूसरा फैक्टर कैसा आएगा आप लोग जानते हैं, अगर मैं इनकी डिवीज़न करूँ तो मेरे पास दूसरा फैक्टर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो डायरेक्ट चलिए डिवीज़न शुरू करते हैं यहीं से, इसको मैं मिटा देता हूँ इस हिस्से को। अब हम सिंपली डिवाइड करवाएंगे। ठीक है, जो हमारे पास है x माइनस वन, ठीक है जी, और प्लस। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सिंपली इसको डिवाइड करवाएंगे। आप लोग जानते हैं कि डिवीज़न कैसे होगी, हमारे पास बन जाएगा क्यूब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराने के बाद, और ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास टू। ठीक है, अगर आपको डिवीज़न नहीं आती तो डिवीज़न के ऊपर लेक्चर देखिए, फिर आपको ये समझ आ जाएगी। ठीक है, और ये हमारे पास साइन चेंज होंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास प्लस होगा तो प्लस टू एक्स, ठीक है, स्क्वायर आ जाएगा, और हमारे पास माइनस टू एज इट इज़। ठीक है जी, अब हमारे पास क्या होगा, ये एक्स वापस इससे मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हमारे पास टू एक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हमारे पास टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आप लोग जानते हैं सिंपली, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस टू एक्स। ठीक है, ये कैंसिल, इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये किसी से माइनस नहीं हो रहा, तो ये एक्स स्क्वायर और माइनस टू एज इट इज़। ठीक है जी, अभी हमारे पास एक्स जो है वो टू से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास टू एक्स आ जाएगा, और टू माइनस वन से मल्टीप्लाई होगी टू आ जाएगा, साइन चेंज होंगे, ये हमारे पास माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल, तो हमारे पास रिमाइंडर ज़ीरो बचा। इसके दो फैक्टर आ गए जो हमारे पास है, एक तो वही वाला जो हमने निकाला था रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू, और इसका दूसरा फैक्टर अभी जो हमने डिवीज़न से निकाला है। ठीक है, हम इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, मिडटर्म ब्रेक रूल इसमें यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि आप इसको ब्रेक करना चाहें तो नहीं होगा। ठीक है जी, तो ये इसका फाइनल आंसर, इसके दो फैक्टर हमने निकाल लिए विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम और विद द हेल्प ऑफ डिवीज़न के थ्रू। स्टूडेंट्स, अब हम एक और क्वेश्चन की तरफ आएंगे, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू है। इधर हमारे पास एक क्वेश्चन हुआ, उसको बाद में सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास लिखा हुआ है एक्स थ्री प्लस फोर एक्स माइनस 28। अब इसको देखिए हम क्या कर सकते हैं, आप लोग जानते हैं हमारे पास जो कॉन्स्टेंट होता है हम उसको ज़ीरो बनाते हैं, उसको ज़ीरो बनाएंगे तो हमारे पास ये पूरी एक्सप्रेशन, और सॉरी इसके फैक्टर ढूंढते हैं हम, ठीक है ना, और x की जगह वो पुट करवाएंगे, वो हमारे पास ज़ीरो के बराबर आ जाए। ठीक है जी, तो अब हम क्या करेंगे, 28 के हमारे पास कौन कौन से फैक्टर होते हैं, हमारे पास होते हैं, मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ, हमारे पास टू होता है, वन होता है,
ठीक है जी। अब बारी बारी हम चेक करेंगे, ठीक है जी। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, हमारे पास वन होता है। अब ये देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उठाते हैं टू उठाते हैं, ठीक है ना। हम प्लस टू उठाते हैं या माइनस टू उठाते हैं हम, ठीक है। तो माइनस टू मैं पुट करूँगा एक्स की जगह, तो ये हमारे पास क्या आएगा माइनस, ठीक है। और थ्री ऐसे की अंदर माइनस टू और स्क्वायर प्लस फोर, ठीक है फोर है, और अंदर हमारे पास माइनस टू और माइनस 28। अब ये देखना है ये ज़ीरो के बराबर आता है या नहीं, सवाल ये निशान डाल रहा हूँ अभी मैं। अब ये देखिए हमारे पास टू इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 8 प्लस स्क्वायर 4 और 4 3 12 माइनस 8 माइनस 28। ये ज़ीरो के बराबर आता है यानी ये हमारे पास ज़ीरो के बराबर नहीं है, क्यों, क्योंकि देखिए हमारे पास हो जाएगा 36 36, और हमारे पास ये हो जाएगा 44, और हमारे पास माइनस 44 में से करेंगे तो हमारे पास 32 बचेगा, वो भी माइनस में, जो कि हमारे पास इसके बराबर नहीं है। तो अब देखते हैं हम दूसरी इसकी जगह हम सिर्फ प्लस 2 ऐड करवाते हैं, ठीक है ना, ये भी फैक्ट करें। तो अब देखिए इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा 8 बनेगा, ठीक है जी। इसका क्या बनेगा, ये 4 और ये हमारे पास पॉजिटिव 12, ठीक है जी। माइनस और प्लस होगा और ये 8 हो जाएगा और ये माइनस 28। अब ये देखते हैं ज़ीरो के बराबर है या नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास ये क्या होगा, ये हमारे पास 20 हो जाएगा, इन दोनों को जमा करेंगे और ये 28 माइनस 28 तो हमारे पास ज़ीरो आएगा। तो ये हमारे पास एक परफेक्ट इसका हमने फैक्टर ढूंढ लिया 28 का, जो हमारे पास कॉन्स्टेंट था, अभी हमारे पास पूरी एक्सप्रेशन ज़ीरो के बराबर हो गई है। अब ये देखिए हमारे पास कौन सी एक्स किसके बराबर रखा था हमने, एक्स के बराबर रखा था टू, सॉरी हमने एक्स जो है वो टू के बराबर रखा था। अब इधर आके हमारे पास क्या हो जाएगा, ये माइनस क्यों हो जाएगा और इक्वल क्यों ज़ीरो, क्योंकि हमें ज़ीरो भी बनाना है ना। अब हमारे पास ये एक फैक्टर आ चुका है, ठीक है। अब हम इस फैक्टर इस एक्सप्रेशन को इस फैक्टर में डिवाइड करवाएंगे, हमारे पास दूसरा फैक्टर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट इधर लिख देता हूँ, इस हिस्से को मिटा देते हैं क्योंकि हमारे पास ज़ीरो हमें पता चल गया कौन से फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब इसको डिवाइड करवाएंगे, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो चलिए हम इसको डिवीज़न शुरू करते हैं। ये हमारे पास क्या बनेगा, ठीक है, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर ये माइनस टू से मल्टीप्लाई हो गया हमारे पास टू एक्स स्क्वायर, साइन चेंज होंगे प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों आपस में फाइव स्क्वायर बन जाएंगे, ठीक है जी। प्लस ये हमारे पास 4x एज इट इज़ और माइनस 20x एज इट इज़, x हमारे पास किससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस 5x से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास क्या बनेगा स्क्वायर, ठीक है। और अभी हमारे पास 5x से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस माइनस 10x, ठीक है। ये हमारे पास माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस है ये प्लस है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 14x माइनस 28, ठीक है जी। अब ये हमारे पास x कौन सी वैल्यू में आएगा, अगर हम प्लस 14 से x को मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 14x आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही आ जाएगा, ठीक है। अब 14 इसके बाकी कम से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा 28, ठीक है जी। कैंसिलेशन होगी, माइनस ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, ज़ीरो बचा तो इसके दोनों रिमाइंडर आ गए, जो हमारे पास है एक्स माइनस टू एक, और दूसरा हमने निकाला है एक्स एक्स स्क्वायर और फाइव एक्स और दूसरा है 14। तो ये दोनों हमने इसके फैक्टर्स निकाल लिए हैं, ठीक है। इसको हम ब्रेक भी नहीं कर सकते क्योंकि इसके ज़्यादा फर्दर ये सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये दोनों इसके फैक्टर्स हैं।